लोकसभा चुनाव के लिए चार चरण का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी के तीन चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के बहराइच और बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। बहराइच में प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है जो 23 मई के बाद टूट जाएगा। आज सुपना साफ होने के डर से भले ही साथ आ गए हो, लेकिन ये स्वार्थ का साथ है। ऐसे ही साथ के लिए रहीमदास जी कह गए हैं, कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग, कहा रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। साथियों, कुछ हफ्तों के लिए ही सही, अगर आज बैर और कैर साथ आए हैं तो इनका टूटना भी तय है। इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है। बहराइच के बाद प्रधानमंत्री ने बाराबंकी में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां पर प्रधानमंत्री ने सपा बसपा शासनकाल में हुए घोटालों का जिक्र किया। कहां कहां घोटाला नहीं था, एनआरएचएम घोटाला यानी आपके इलाज में घोटाला, स्मारक घोटाला यानी उन महापुरुषों के नाम पर घोटाला जिनके नाम पर बहन जी वोट मांगती है, इन लोगों ने आपकी चीनी मिले तक औने पौने दाम पर बेच दी। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चार चरणों के चुनाव के बाद विपक्षी दल चारों खाने चित हो चुके हैं। बिहार में पांचवें चरण में 6 मई को 5 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर की सीटें शामिल हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानेंगे कि राज्य में क्या है इस समय चुनावी फिजा। पंचानन, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा यह जा रहा है कि वहां पर इस वक्त कैंडिडेट गॉड हो गए हैं, लेकिन जो लहर है वो प्रधानमंत्री मोदी की चल रही है। साथ ही जो मुद्दे हैं वहां के, उसके बारे में भी तफसील से जानना चाहेंगे, क्या है वहां की चुनावी फिजा। ठीक है, देखिए अमृता, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो देश 2019 का जो चुनाव है उसमें शायद सबसे अलग राज्य होगा, जिसमें जिसके मुद्दे अलग हैं, जिसका जिसकी राजनीति का तरीका अलग है, और जहां पर कि एक क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस है वो वहां पर हावी है। वहां पर 2011 में उनकी सरकार थी, 2016 में भी उनकी सरकार है, लेकिन बीजेपी पहली बार 34 साल का जो तृणमूल कांग्रेस का जो 34 साल का जो लेफ्ट का यहां पर शासन हुआ करता था 1977 से लेकर 2011 तक, उसको हटाने के बाद तृणमूल कांग्रेस 2011 में यहां सत्तारूढ़ हुई। लेकिन उसके बाद से अब ये पहला चुनाव होगा लोकसभा का 2019 का, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फोर्स बनकर सामने आई है। हमेशा अमूमन पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये होता रहा है कि यहाँ वाम मोर्चा का मुकाबला बाकी और दलों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस, उनसे होता रहा है। लेकिन पहली बार ये मुकाबला चतुष्कोणीय के बजाय दो कोण में दिख रहा है, और ये मुकाबला सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और इसका कारण भी यही है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर राष्ट्रवाद का खासतौर पर जो मुद्दा है वो यहाँ पर चल रहा है, और लोग उसी मुद्दे के आधार पर जो एक नाराजगी है तृणमूल कांग्रेस से, जो लोगों की एक हिंसक राजनीति का यहाँ पर एक दौर रहा है, उसके बाद अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी को फायदा जरूर मिल सकता है। तो यही वो कोशिश है जिसको बीजेपी यहाँ पर भुनाने की कोशिश में है, और इसकी वजह से दूसरे दलों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इन पार्टियों में उनको भी लिया जा रहा है, क्योंकि एक ही लक्ष्य है कि तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह हराया जाए। और दूसरा, तृणमूल कांग्रेस का जो उनकी जो तरीका है वो यही है कि जिस तरह से उन्होंने पहले 2011 में और 2016 के विधानसभा चुनाव में जो बड़ी जीत दर्ज की थी उसको किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अब ये 7 चरणों में यहाँ का चुनाव होना है। 7 चरणों के चुनाव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हिंसा की जो राजनीति है वो होती रही। हमने देखा है पिछले 2 चरणों में
काफी हिंसा भी हुई। यही वजह है कि यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को पूरी तरीके से हर बूथ पर तैनाती उनकी की गई है और निष्पक्ष चुनावों के लिए केंद्र जो निर्वाचन आयोग है वो भी चिंतित है और साथ में केंद्र सरकार की ओर से लगातार इस बारे में शिकायत भी की जाती रही है। तो अब यहाँ पर जो चुनाव है वो सात यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं 6 मई को वोट डाले जाने हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बैरकपुर में। बैरकपुर की जो जो लोकसभा सीट है और यहाँ पर इन सातों सीटों में से ऐसी कोई सीट नहीं है जो बीजेपी ने जीती हो, इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह नजर आ रहा है कि जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद के हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतने की जो कोशिश है वो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है और एक जो बड़ी चीज है पोलराइजेशन का मुद्दा और राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ साफ नजर आता है। अमृता जी बिल्कुल पंचानंद, खासकर चाहे दिनेश त्रिवेदी की बात करें या और बड़े नामों की, कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस पांचवें चरण में तय होनी है और इसको लेकर जैसा कि आपने कहा कि विकास और राष्ट्रवाद यहां पर छाया हुआ है मुद्दा। ठीक है, जैसे मैंने बैरकपुर की चर्चा की तो बैरकपुर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो आजादी के बाद से लेफ्ट डोमिनेटेड रही, लेकिन 2009 और 2014 के चुनाव में यहां तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उनको मुकाबला उसी तृणमूल कांग्रेस से निकले ही उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए अर्जुन सिंह से है। अर्जुन सिंह को माना जा रहा है कि वो एक बड़ा यहाँ पर कारगर हथियार भी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ साबित हो सकते हैं। यही वजह है शायद कि बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। और एक देखिए बैरकपुर की जो डेमोग्राफी है, यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ज्यादा है, जूट का ये एरिया है जहाँ पर कि गंगा का किनारा है और जूट की फैक्ट्रियां कई सारी यहाँ पर है। तो जो उत्तर भारतीय लोग यानी कि चाहे उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों या फिर बंगाल के यहाँ के, उनमें एक बदलाव की बात यहाँ कहीं ना कहीं जरूर दिख रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस दो यहाँ पर लगातार जीत कराई, क्या जो अर्जुन सिंह जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर यहाँ बीजेपी में शामिल हुए क्या वो बदलाव कर पाते हैं। इसके अलावा बगल में हुगली की जो लोकसभा सीट है, हुगली के अंदर ही सिंहपुर आता है। आपको याद होगा 2011 में जब यहाँ पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार को उखाड़ के फेंका था तृणमूल कांग्रेस ने, तो यही वो सिंगूर है जहाँ से टाटा फैक्ट्री। बिल्कुल पंचानंद, तो कई हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण सीटें हैं पांचवें चरण के लिए और साथ ही पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुकाबला चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय से सीधे दो पार्टियों के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर मतदान कर्मियों को धमकाने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने पर कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने पर 16 अप्रैल को नोटिस दिया था। आजम खान के जवाब के बाद चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस मामले में उन पर कल सुबह 6 बजे से 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी चुनाव आयोग आजम खान पर 72 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा चुका है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे जहां पे उन्होंने टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना के माध्यम से सबको न्याय मिलेगा। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 5 करोड़ बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए कटा, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च 6,000, दिसंबर तक 6,000, अगली जनवरी 6,000, जैसे आपकी घड़ी चलती है वैसे न्याय योजना आपको पैसा देगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज राजस्थान के दौसा, भरतपुर और अलवर में जनसभा को संबोधित किया। दौसा में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर देंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुट मणि है। कश्मीर को हम अपने प्राणों के बाजी लगाकर भी जाने नहीं देंगे। मित्रों, हमने कहा है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कश्मीर के अंदर से धारा 370 को हटा देंगे। हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये राहुल हम कहते हैं धारा 370 हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं राजद्रोह की कलम हटाओ। अलवर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों से बातचीत के पक्षधर है जबकि केंद्र सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। राहुल बाबा के गुरु है सैम पित्रोड़ा ने कहा कि 2-4 बच्चों ने गलती कर दी,
आपने पाकिस्तान पर बम क्यों गिराए, इनसे बातचीत करिए, वार्ता करिए। वार्ता करनी चाहिए, बम गिराने चाहिए अलवर वालों? माताएं बोले बातचीत करनी चाहिए, आप बम गिराने चाहिए? मित्रों मैं आपको बता देता हूं, ये राहुल बाबा एंड कंपनी को इलू इलू आतंकवादियों से करना है तो करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। सातवें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और सात राज्यों के 59 लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होगा। सातवें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होगा जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 19 मई को सातवें चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। सातवें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बांदा में रैली हुई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि महागठबंधन दो दिलों का गठबंधन है और चुनावों में जनता उनको पूरा समर्थन देगी। एक गठबंधन के बारे में कहते हैं ये महा मिलावट गठबंधन है, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं 4 चरणों में जनता ने सहयोग किया है, मदद की है, ये महामिलावट वाला नहीं गठबंधन है, ये महापरिवर्तन वाला गठबंधन है। और ये महागठबंधन विचारों का है, ये दो दलों के विचारों का संगम हुआ है। कभी डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मिलकर के काम करना चाहते थे, समय ने मौका नहीं दिया, परिस्थिति नहीं बनी, दोनों लोग मिलकर के काम नहीं कर पाए। नेताजी और माननीय काशीराम जी ने मिलकर के गठबंधन किया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर है।